और बात अगर कोरोना की हो रही है तो बात जमशेदपुर की कर ले, जहां केंद्रीय स्वास्थ्य टीम पहुंची हुई है। समीक्षा लगातार चल रही है, कोरोना को लेकर केंद्रीय टीम का दौरा है वहां पर, और कोरोना को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं इसकी समीक्षा चल रही है। वहां पर केंद्रीय टीम है, आज भी क्या कुछ समीक्षा की जाएगी, कैसे हालात है वहां पर, इन तमाम बातों पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं सहयोगी प्रवीण। सीधे जमशेदपुर का रुख कर लेते हैं। प्रवीण, केंद्रीय स्वास्थ्य टीम मौजूद है वहां पर, पिछले 2 दिनों में जो समीक्षा की गई कोरोना को लेकर, जो हालात है वहां पर, किस तरह से जमशेदपुर में इंतजाम किए गए हैं, इन तमाम चीजों की समीक्षा की गई। हालांकि कुछ चीजों पर अगर हम कुछ चीजों को दरकिनार कर दें तो काफी संतुष्ट भी नजर आई है टीम। आज क्या कुछ समीक्षा होने वाली है, आज क्या कुछ प्रोग्राम है टीम का? आरती, परसों से ही टीम लगातार शहर में है और जैसा कि सोमवार को टीम पहुंची थी शहर, केंद्रीय 3 सदस्यीय जो टीम है स्वास्थ्य विभाग की, उनके द्वारा शुरुआती दौर में कंटेनमेंट जोन और जितने भी सैंपल कलेक्शन जोन है सारे जगहों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण करने के बाद फिर देर शाम वो उपायुक्त के साथ बैठक किए। उसके बाद दूसरे दिन, अगर हम दूसरे दिन की बात करें, कल की बात करते हैं, तो लगातार जिस तरह से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि हो रही है, मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो रही है, उसे लेकर काफी कुछ सवालों के घेरे में भी टाटा मेन अस्पताल था। जिला प्रशासन पर भी कई कड़े सवाल उठ रहे थे, कई बड़े सवाल उठ रहे थे। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की जो टीम है वो टाटा मेन अस्पताल का निरीक्षण की, सबसे पहले कोविड वार्ड का उन्होंने निरीक्षण किया, उसके बाद एमजीएम अस्पताल के बाद लैब, जहाँ लैब है एमजीएम मेडिकल कॉलेज में, उसका भी जांच किया। हम आपको बता दें आरती की जो बातें कल जब टीम से बात की हमने, तो पता चला कि जो कम्युनिटी स्प्रेड की बात सामने आ रही थी कि आखिर ये संक्रमण का दौर, जो संक्रमण का जो पैर, संक्रमण जो अपना पैर पसारते जा रहा है, तो इसके पीछे क्या कारण है, तो इसके पीछे बात कुछ छन कर सामने आई, जो जिस तरह से टीम से हमने बात की कि जो प्रवासी मजदूर हैं, जो बाहर से आए हैं और जो बिना मतलब चुपके छुपाते जो शहर में प्रवेश किए हैं, जिले में प्रवेश किए हैं और जिला प्रशासन या सरकार की गाइडलाइन को उन्होंने फॉलो नहीं किया, उसका खामियाजा जो वो तो स्वयं भुगते ही और साथ ही साथ जिले के और भी लोग भुगते, तो जिसके वजह से जो संक्रमण का खतरा है वो दिन प्रतिदिन बढ़ता गया और उसका दायरा भी बढ़ता गया, मृत्यु दर में बढ़ोतरी होती गई। लेकिन जो टीम है वो स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर हम बात करें, चाहे वो प्रशासनिक जिला प्रशासन के द्वारा जो स्वास्थ्य सुविधाएं या निजी स्तर पर स्वास्थ्य सुविधाएं, वो काफी संतुष्ट नजर आए और उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों में, अन्य राज्य, झारखंड राज्य की अगर हम बात करें, तो झारखंड राज्य के अन्य जिलों से, जैसे कि धनबाद से, इससे पहले टीम धनबाद का दौरा कर आई है, तो उन्होंने काफी संतुष्टि जाहिर की है व्यवस्थाओं को देख। लेकिन कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में जब उन्होंने दौरा किया, ग्रामीण क्षेत्र की तरफ जब ये रुक किए शाम के समय, दिन के समय, तो उन्होंने चिंता जाहिर की लोगों की एक्टिविटी को देखकर, जहां लोग जो बाजार हाट में जो सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं करते पाए गए, मास्क का इस्तेमाल नहीं करते पाए गए, इन्होंने इस पर काफी चिंता जाहिर की। लेकिन इनका कहना है कि जिस तरह से जिला प्रशासन के द्वारा स्वास्थ्य सुविधा मुहैया कराई जा रही है वो काफी बेहतर है और किसी तरह की कोई कमी की बात तो सामने नहीं आई है। लेकिन आरती, सबसे बड़ी बात है कि जो मृत्यु दर की बात जो सामने आ रही थी टाटा मेन अस्पताल में, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से अगर हम पूरे ओवरऑल देश की अगर हम बात करें, तो जिस तरह से आबादी है, जनसंख्या है, उस आधार पर इसमें चिंता और डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि अपने आप को सतर्क रखते हुए हर एक आम, मतलब कहीं ना कहीं देखा जाए तो स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और स्वास्थ्य सुविधाएं तो काफी बेहतर है, लेकिन आम आदमी की जो एक्टिविटी है, आम आदमी जो दिनचर्या में जिस तरह से लापरवाही बरत रहे हैं, वो अपने आप में एक बहुत ही मतलब डरावनी बात है, जो लोगों को इस ओर धकेल रहा है, संक्रमण की ओर धकेल रहा है और मृत्यु दर में बढ़ोतरी हो रही है। और अगर हम आज की बात करें, तो कल तो देर शाम उपायुक्त से बैठक हुई, उपायुक्त में जिला प्रशासन के कई वरीय पदाधिकारी भी मौजूद थे बैठक में, और सुविधाओं को किस तरह से बेहतर बनाना है, कहाँ क्या कमी रह गई है, इस संबंध में उनसे बातचीत हुई। बातचीत होने के बाद जो टीम है उन्होंने अपनी संतुष्टि जाहिर करते हुए, और आज की अगर हम बात करें, तो टीम अभी कुछ देर बाद रांची के लिए सीधे रवाना हो जाएगी, क्योंकि यहाँ उन्होंने 2 दिवसीय, पहले तो सुनने में आ रहा था कि टीम के जो सदस्य हैं वो 3 दिवसीय दौरे पर रहेंगे और अपनी समीक्षा करेंगे, निरीक्षण करेंगे, लेकिन 2 दिवसीय इनका जो जितना भी जो दायरा था जांच का, निरीक्षण का, 2 दिनों में ये कंप्लीट हो चुका है और अब ये सीधे रुक कर जाएंगे रांची के, और कुछ ही देर में ये निकल जाएंगे रांची के। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए प्रवीण आपका। तो केंद्रीय स्वास्थ्य टीम का दौरा आज जमशेदपुर में,
में खत्म होने वाला है और टीम रांची पहुंचेगी। तमाम हालात और इंतजाम जो हैं इसे लेकर उसकी समीक्षा की गई है, चर्चा की गई है अधिकारियों के साथ भी, किस तरह से कोरोना को लेकर वहां पर तमाम इंतजाम किए गए हैं। हालांकि काफी हद तक ये टीम संतुष्ट नजर आई है। अब देखना होगा कि रांची में आकर जिस तरह से यहां पर भी लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं तो क्या कुछ यहां पर समीक्षा होती है।